तीर्थ नगरी पुष्कर में बुधवार को गणेश चतुर्थी महोत्सव श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के बड़ा गणेश मंदिर, भटबाय मंदिर और बड़ा गणेश मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला आयोजित होगा। इससे पूर्व मंगलवार की रात्रि को गणेश मंदिर में विशेष सजावट की गई। इस दौरान मंदिर में भजन कीर्तन और जागरण भी हुए। बुधवार सुबह कस्बे के विभिन्न मोहल्ले व कॉलोनियों में विधिवत रूप से लोगों ने अपने घरों में आगामी 10 दिनों के लिए गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हुए गणेश उत्सव का आगाज किया। इससे पूर्व स्थापित की गई प्रतिमाओं को शोभा यात्रा के रूप में स्थापना स्थल तक ले जाया गया। अब गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कहाँ से आए हो आप? गजानंद भगवान की जय। आज गणेश चतुर्थी है और हमारे दादाजी के मान्यता के हिसाब से हम 50 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। बराबर हर गणेश चतुर्थी को भगवान के भोग लगाते हैं और यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं 50 साल से। इसमें 2 साल कोरोना काल में आना नहीं हुआ, बाकी कंटिन्यू दादाजी, पिताजी और हम ऐसे जी चौथी पीढ़ी चालू है। बराबर भगवान के चरणों में वंदन करने के लिए हम आते हैं और उनका बड़ा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सब पर इनकी कृपा बनी रहे, सबके सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। और यहाँ पे जो आपके राजस्थान में जो गायों पे जो संकट आया हुआ है लंबी बीमारी का, वो संकट दूर हो, ये भगवान से भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और सब स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आज गणेश चतुर्थी है, आज बहुत बड़ा दिन है। ये इतना बड़ा दिन है कि इस दिन सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं जितने भी जो बड़े बड़े संकट है आज के दिन वह दूर हो गए थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुष्कर में हमारे जो गणेश जी का जो मेला लगता है, भटबाय गणेश जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, बहुत प्राचीन मूर्ति और बहुत चमत्कारी मूर्ति है। और यहाँ पे बड़े बड़े जो व्यापारी है, बड़े बड़े जो महापुरुष है, इनको बहुत श्रद्धा से मानते, बाहर से आई भी पब्लिक यहाँ पर भंडारा करते, भोजन कराते इत्यादि। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मान्यता ऐसी है कि दो गणेश जी को अगर चढ़ाकर अगर उनको नतमस्तक किया जाता है तो उनके सर्व जो संकट है जीवन में आने वाले आज के दिन वो पूरे मिट जाते हैं। इतना बड़ा महत्व बताया गया, सिर्फ दो की डंडी चढ़ाकर यहाँ पर गणेश जी को, इतनी बड़ी चमत्कार यहाँ पर मूर्ति है गणेश जी। गायों पे जो संकट आ रहा है इसके बारे में, और हम सभी भक्तगण आज अनुष्ठान कर रहे हैं यहाँ पे गणेश जी का। हमारे एक यजमान आए हुए बाहर से बहुत बड़े, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे बेचारे जीव जंतु जानवर गायों के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट जो छा रखा है लंबी नाम की बीमारी का, उस बीमारी को शीघ्र अति शीघ्र खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं। और जन जन विश्व कल्याण के लिए यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जीव जंतु जानवर के जो अत्याचार हो रहा है और जो बीमारी है शीघ्र अति शीघ्र दूर हो, लंबी बीमारी का जड़ सहित इसका निवारण हो।